Hi dear friends, I hope all of you are safe and staying at home only. I, Prashant Lakhani, welcomes you once again in the world of SYJC Economics Chapter 2 Part 7. Friends, in our last two different sessions, we have started with the topic of law of diminishing marginal utility with its assumptions. In our last two sessions, we have discussed that other things remain constant when the consumer consumes more and more units of the same commodity. In a continuous and quick manner, he gets lesser and lesser utility from it. अगर कोई एक बंदा एक की एक चीज बार बार और लगातार कंज्यूम करेगा तो थोड़े वक्त के बाद वो थक जाएगा, पक जाएगा, उब जाएगा. इट डिपेंड्स ऑन सिक्स assumptions, दैट इज कंटिन्यूस कंजम्पशन, यूनिफॉर्म कमोडिटीज, कार्डिनल मेजरमेंट, रैशनल बिहेवियर, रीजनेबल साइज एंड नो चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर्स. मतलब अगर कोई कंज्यूमर एक की एक चीज खरीद रहा है, उसे कंज्यूम कर रहा है, अगर वो बीच में टाइम इंटरवल नहीं लेगा, वो सभी सेम कमोडिटी होगी. अगर वो यूटिलिटी को नंबर में मेजर कर सकता है, अगर वो साइको के हटेला नहीं है, अगर वो जो कमोडिटी यूज करेगा उसका साइज रीजनेबल है, और अगर वो अपनी चॉइस प्रेफरेंस कभी चेंज नहीं करेगा, तो ही आफ्टर सम कंजम्पशन उसका जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो डिमिनिश हो जाएगा, मतलब कम होते जाएगा. अब मार्शल के इस कायदे में फ्रेंड्स, वी हैव सम ऑफ द लूप होल्स, दैट इज टूडेज टॉपिक, क्रिटिसिजम्स, लिमिटेशंस, लूप होल्स, ड्रॉबैक्स, डिमेरिट्स, मिस्टेक्स, गलतियां. फ्रेंड्स, अल्फ्रेड मार्शल जितना इतना बड़ा इकोनॉमिस्ट भी इतने सुपर लोगों के अंदर कुछ बड़ी गलतियां कर चुका है. सो लेट्स बिगिन विथ टूडेज टॉपिक, दैट इज क्रिटिसिजम्स. फ्रेंड्स, अपने को ऐसे भी है ना, किसी और की गलती ढूंढने में बहुत मजा आता है, और वो भी जब इतना बड़ा लेवल का बंदा हो, तो वी विल एंजॉय द टॉपिक. अवर फर्स्ट पॉइंट इज कार्डिनल मेजरमेंट. फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू मार्शल, यूटिलिटी, दैट इज सेटिस्फेक्शन, कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर्स. बट रिमेंबर वन थिंग, इट इज नॉट पॉसिबल टू मेजर यूटिलिटी कार्डिनली. फ्रेंड्स, वी कांट मेजर यूटिलिटी इन फिजिकल यूनिट्स इन टर्म्स ऑफ नंबर्स इन प्रैक्टिकल लाइफ. मुझे आज तक नहीं समझा कि मार्शल ऐसी गलती कैसे कर चुका कि वो ये मान के चल रहा था कि यूटिलिटी को, सेटिस्फेक्शन को हम 1, 2, 3, 4 ऐसा नंबर में गिन सकते हैं. जस्ट थिंक अबाउट इट, क्या हम अपनी फीलिंग्स, अपने अटैचमेंट, अपने अट्रैक्शन, अपने थॉट्स, हंगरनेस, आर्ट, डांस, टीचिंग, ड्राइंग, सिंगिंग, क्या इन सब चीजों को कभी नंबर में गिन सकते हैं? इज इट प्रैक्टिकल फ्रेंड्स? क्या कभी शादी के 10 साल बाद अगर वाइफ हस्बैंड को पूछे कि आप मुझे कितना परसेंटेज प्यार करते हो, क्या बोलेगा हस्बैंड? कितना परसेंटेज, हाउ टू मेजर? अगर बोलेगा 100% तो बोलेगी झूठ बोल रहे हो, अगर बोलेगा 99% तो बोलेगी 1% क्या बाजू वाली को जा रहा है. फ्रेंड्स, अगर आज अभिषेक बच्चन ऐश्वर्या राय को बोले कि तू मुझे 98% ब्यूटीफुल लग रही है, वो डज इट मीन वो 2% का ब्यूटीफुलनेस कहां गया? फ्रेंड्स, कुछ चीजों को आप नंबर में कैसे गिनोगे? आपको कितना परसेंटेज भूख लगता है, आपको कितना परसेंटेज हर्ट होता है? फ्रेंड्स, एक्चुअली स्पीकिंग, यूटिलिटी इज अ सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट, एंड दैट इज वाई यू कैन नॉट मेजर द टर्म यूटिलिटी इन फिजिकल यूनिट्स
in numbers. So that is the first mistake of Marshall. That is, cardinal measurement is actually not possible in practical life. Right? Now, our second point is impossible assumptions. The law is based on many assumptions like cardinal measurement, rational consumer, uniform commodities, continuous consumption, which are not practically possible in real life. मैं आपको एक फैक्ट समझा पाऊं तो मैं कोई एक दो assumption की बात नहीं करूं फ्रेंड्स. All six assumptions are actually not possible in every situation. Let me clarify. बहुत ध्यान से अगर आप छह assumption को समझ पाए हो, continuous consumption, uniform commodities, cardinal measurement, rational behavior, reasonable size and no change in taste and preference of the consumers. हम वन बाय वन समझने की ट्राई करते हैं. उसने मान लिया था मार्शल ने कि कंज्यूमर विल कंज्यूम ऑल द कमोडिटीज इन अ कंटिन्यूस मैनर विदाउट एनी टाइम इंटरवल. जरा सोचिए फ्रेंड्स, क्या कोई एक नॉर्मल कंज्यूमर, रैशनल कंज्यूमर, अगर आज आपने एक मोबाइल खरीदा है, कल आप दूसरा मोबाइल खरीदोगे, परसों तीसरा मोबाइल खरीदोगे, मोबाइल पे मोबाइल, अरे हाउ इट्स पॉसिबल? अगर कोई कंज्यूमर रैशनल बिहेवियर है, अगर वो साइको होटेला नहीं है, तो क्या वो रोज कंजम्पशन करेगा? नहीं करेगा. और अगर वो रोज कंजम्पशन करेगा तो वो रैशनल बिहेवियर नहीं है. मतलब अगर फर्स्ट अजम्पशन इज राइट तो फोर्थ इज रॉन्ग, इफ फोर्थ इज राइट तो फर्स्ट इज रॉन्ग. दूसरा था यूनिफॉर्म कमोडिटीज. अगर आज मैंने ये एक शर्ट खरीदा है, अगर मैं दूसरा शर्ट भी खरीदूंगा तो सेम सेम इन साइज, शेप, कलर, टेस्ट, अरे हाउ इज पॉसिबल? कंज्यूमर की एक सोच होती है कि वो कोई भी चीज नई नई अपनाना चाहेगा, खरीदना चाहेगा, कंज्यूम करना चाहेगा. क्या हम हमेशा सेम कमोडिटी कंज्यूम करना सोचते हैं? नहीं सोचते हैं फ्रेंड्स. और अगर ऐसा सोचते हैं तो वो रेशनल बिहेवियर नहीं है. तो अगर सेकंड पॉइंट इज राइट तो फोर्थ इज रॉन्ग, फोर्थ इज राइट तो सेकंड इज रॉन्ग. थर्ड ऑलरेडी वी हैव डिस्कस, कार्डिनल मेजरमेंट इज नॉट पॉसिबल. फोर्थ ऑलरेडी एक्सप्लेनिंग, रेशनल बिहेवियर. फिफ्थ, रीजनेबल साइज. मार्शल ने हमें ऐसा समझाया था कि टू बिग लाइक कलिंगर, वॉटरमेलन, राइट, हम उसे कंज्यूम नहीं करते कि पहला कलिंगर खाया, दूसरा कलिंगर खाया. मुझे एक बात समझ में नहीं आई फ्रेंड्स, मार्शल खुद अपनी सिखाई हुई चीज भूल चुका है. अगर कलिंगर जितना बड़ा कमोडिटी है, प्रोडक्ट है, तो वी कैन यूज स्लाइसिंग मेथड. हम थोड़ी पूरा कलिंगर एक साथ खाएंगे, पर ये तो गिन सकते हैं ना कि पहला स्लाइस खाया, दूसरा स्लाइस खाया, ये तो गिन ही सकते हैं. एक और बात, सिंगदाना टू स्मॉल साइज, हाँ ये करेक्ट है. हम सिंगदाने का नंबर नहीं गिनते कितना सिंगदाना खाया है, पर कितने रुपए का खाया, क्योंकि उसका एक नाइन्थ फीचर था, यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी. हम उसको पैसों में कंपेयर कर लेंगे. यस, कि पांच रुपए का सिंगदाना खाया कि दस रुपए का खाया. तो ये जो बात है कि टू बिग एंड टू स्मॉल साइज वी कैन नॉट मेजर, ये तो सोच वहीं पर गलत हो गई. एक और बात, नो चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस. फ्रेंड्स, सालों तक मेरे पिताजी को अगर मुमताज नाम की हीरोइन पसंद थी, सालों तक पसंद थी, लेकिन एट द एज ऑफ 62 इयर्स, मेरे पिताजी की जब 62 इयर्स की एज थी और जब हम साथ साथ है मूवी आया, तो उस मूवी में उनको नीलम का रोल बहुत पसंद आया, उनको सोनाली बेंद्रे का रोल बहुत पसंद आया. तो उनकी जो चॉइस थी कि मुमताज बेस्ट एक्ट्रेस, उसमें थोड़ा बदलाव आया. तो क्या मैं ये बोल दूं कि मेरे पिताजी 62 इयर्स की एज में सठिया गए थे, साइको थे? नहीं नहीं, बिल्कुल नॉर्मल थे. तो अगर आप साइको नहीं हो तो ही तो आप चॉइस बदलोगे. तो इन शॉर्ट, ये जो सोच थी, ऑल दिस सिक्स अजम्पशंस आर इम्पॉसिबल इन रियल लाइफ. दैट वॉज सेकेंड मिस्टेक बाय मार्शल. थर्ड वन इज इनडिविजिबल गुड्स, नॉट इनविजिबल, इनडिविजिबल गुड्स. फ्रेंड्स, इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज द लॉ इज नॉट एप्लीकेबल फॉर लार्ज एंड बल्की कंज्यूमर गुड्स लाइक टीवी, वॉशिंग मशीन्स एक्सेट्रा. इट इज नॉट पॉसिबल टू थिंक दैट अ कंज्यूमर विल बाय 10 टीवी सेट्स एट अ पीरियड ऑफ टाइम. ये देखिए, अगर आप जेठालाल गड्ढा की तरह शॉप खोल के बैठे हो और 10 टीवी का ऑर्डर लेते हो, वो समझता है. बट एज अ कंज्यूमर क्या ये पॉसिबल है
कि आज मैंने पहला टीवी खरीदा, कल दूसरा टीवी खरीदा, परसों तीसरा टीवी खरीदा। अरे ये कैसे पॉसिबल है फ्रेंड्स, हाउ इट्स पॉसिबल? और अगर मैं ये सोचूं कि चलो पूरा टीवी एक साथ हम नहीं खरीद रहे, तो ये भी कैसे पॉसिबल है? क्या मैं विजय सेल्स में जाके ये बोलूं कि ये जो 30,000 का टीवी है ना, ये मेरे को एक साथ नहीं चाहिए, आज तू मुझे 2,000 रुपया ले और सिर्फ टीवी का स्क्रीन दे दे, 15 दिन बनाऊंगा 2,000 रुपये दूंगा टीवी का रिमोट दे देना, 15 दिन बनाऊंगा 2,000 रुपये दूंगा तब टीवी का एंटीना खड़ा कर देंगे, ऐसा टीवी टुकड़ों में बट के आएगा। हाउ इट्स पॉसिबल? तो टीवी मुझे एक साथ खरीदना है, और मैं अगर आज एक टीवी खरीद रहा हूँ तो अगले 5 साल तक दूसरे टीवी का डिमांड नहीं करूंगा। टिल नेक्स्ट 5 ईयर्स आई विल नॉट परचेज एनी टीवी मोर एज अ कंज्यूमर। तो एज अ रेशनल कंज्यूमर इन केस ऑफ बल्की गुड्स, राइट, इंडिविजिबल गुड्स, द लॉ इज नॉट एप्लीकेबल। दैट इज द थर्ड मिस्टेक बाय मार्शल फॉर दिस लॉ ऑफ डीएमयू। फोर्थ पॉइंट इज एमयू ऑफ मनी। फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू मार्शल, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी रिमेन्स कॉन्स्टेंट, बट इन रियल लाइफ वी मस्ट से कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी डज नॉट डिमिनिश, दैट इज ओके, इट डज नॉट रिमेन कॉन्स्टेंट। और सच बताऊ ना तो आफ्टर सम टाइम इन केस ऑफ मनी ऑल्सो अवर एमयू मार्जिनल यूटिलिटी एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन इट मे डिमिनिश, इट मे एप्रिसिएट, इट मे डेप्रिसिएट। इस चीज के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल समझाने की ट्राई करूँ। फ्रेंड्स, 50 रुपये की नोट 10 साल पहले भी 50 की थी, आज भी 50 की है, और 10 साल बाद भी 50 की रहेगी। 50 की नोट 50 की ही है, पर क्या 50 रुपये की वैल्यू 10 साल पहले जो थी और आज जो है, क्या ये सेम है? द आंसर इज नो। अगर आपके घर पे दादा दादी हो तो हमने उनके मुंह से बहुत बार सुना होगा कि वो लोग 1 रुपये में चौपाटी बजा के भेल खा के आते थे। फ्रेंड्स, आज 1 रुपये में वो कुरमुरा भी नहीं देगा, 1 रुपया तो 1 रुपया ही है, पर आज 1 रुपये की वैल्यू कुछ नहीं है। अरे 1 रुपया तो आज भिखारी भी लेने को तैयार नहीं है फ्रेंड्स, करेक्ट? 10 साल पहले अगर 50 रुपये की नोट लेकर आपके एरिया में अगर कोई फैमिली, हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे अगर संडे इवनिंग को टपरी पे डोसा खाने जाते, खाओ गली जैसा जो होता है टपरी पे, उसका मजा ही और होता है। अगर टपरी पे डोसा खाने जाते फ्रेंड्स, 50 रुपये में हस्बैंड वाइफ दोनों बोल रहा हूँ मैं, ओके, मैसूर मसाला डोसा खाते, बच्चों के लिए सादा डोसा मंगाते, फिर भी कुल्फी खाने का पैसा बचता था। आज 50 रुपया लेकर अगर हम जाए, 1 मैसूर मसाला डोसा मंगाया तो बच्चे भूखे रहेंगे, आइसक्रीम तो दूर हो गया, कुल्फी तो दूर हो गई। और कुछ सालों बाद जब आपका फैमिली बनेगा और आप जब जाओगे, 50 रुपये में सिर्फ चटनी चाट के आओगे फ्रेंड्स, डोसा भी नसीब नहीं होगा। 50 रुपया 50 रुपया ही है, पर क्या उसका वैल्यू मार्केट में सेम रहा? द आंसर इज नो। सो दैट वॉज द फोर्थ मिस्टेक, एमयू ऑफ मनी। फिफ्थ पॉइंट इज यूटिलिटी इज इंटरडिपेंडेंट। सी, अकॉर्डिंग टू मार्शल, यूटिलिटी ऑफ वन कॉमोडिटी हैज नो यूटिलिटी फ्रॉम अदर कॉमोडिटी, बट इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, कंजम्पशन ऑफ टू डिफरेंट यूनिट्स आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, एग्जाम्पल कार एंड पेट्रोल। देखो, एक बड़ी गलती हुई यहाँ पर। मार्शल ये सोच रहा है कि वेन यू कंज्यूम वन कॉमोडिटी तो यू आर गेटिंग यूटिलिटी फ्रॉम दैट सिंगल कॉमोडिटी ओनली, बट द प्रॉब्लम इज कि यूटिलिटी ऑफ वन कॉमोडिटी इटसेल्फ डिपेंड्स ऑन यूटिलिटी ऑफ अनदर कॉमोडिटी। कार और पेट्रोल दोनों साथ में हो तो मैं ट्रैवलिंग पर्पस से सॉर्ट आउट हो पाऊं, मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो पाए। अब मैं बोलूं कि कार का यूटिलिटी विदाउट पेट्रोल, कार चलने वाली नहीं है। पेट्रोल का यूटिलिटी, अरे विदाउट कार पेट्रोल यूज कहां पे होगा? क्या पेट्रोल मुंह में डाल के हाईवे पे जाके ब्रर्र? अरे नॉट पॉसिबल। सो यूटिलिटी ऑफ कार डिपेंड्स ऑन पेट्रोल एंड यूटिलिटी ऑफ पेट्रोल डिपेंड्स ऑन यूटिलिटी ऑफ कार। अगर आप व्हाइट बोर्ड पे मार्कर से लिखना चाहे तो व्हाइट बोर्ड और मार्कर पेन दोनों इंपॉर्टेंट। अगर व्हाइट बोर्ड ना है तो मारे पर मार्कर पेन को क्या मुंह में चबाऊं? और अगर मार्कर पेन ना हो तो व्हाइट बोर्ड को क्या चाटू? यूजलेस।
तो यूटिलिटी इज इंटरडिपेंडेंट। तो जब मार्शल की ये सोच थी, जब लो ने ये कहा कि अदर थिंग्स रिमेन कॉन्स्टेंट एंड वेन द कंज्यूमर कंज्यूम्स मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ द सेम कॉमोडिटी, तो उसकी जो यूटिलिटी है वो मेजरमेंट ही नहीं होगा, क्योंकि एक की यूटिलिटी दूसरे पे डिपेंड है। तो देट वॉज द फिफ्थ मिस्टेक बाय मार्शल। सिक्स्थ पॉइंट इज वन कॉमोडिटी थियरी। फ्रेंड्स, लॉ ऑफ डीएमयू इज सेइंग दैट द कंज्यूमर कंज्यूम्स ओनली वन कॉमोडिटी, सो वी आर मेजरिंग यूटिलिटी फ्रॉम वन कॉमोडिटी ऑफ द सेम कॉमोडिटी। बट इन रियल लाइफ द कंज्यूमर मे बाय मोर देन वन कॉमोडिटी एट अ पीरियड ऑफ टाइम। एक बात सोचने जैसी है फ्रेंड्स, मुझे तो ये कॉन्सेप्ट समझाइए कि वन कॉमोडिटी। एक बात समझो फ्रेंड्स, जब मैं कबीर सिंह मूवी देखने थिएटर में गया तो सिर्फ मूवी था, अरे कबीर सिंह मूवी के लिए वहां पे स्क्रीन था, थिएटर था, चेयर था, इंटरवल, समोसा, पॉपकॉर्न, थम्सअप, आजू बाजू के लोग। जब मैं ससुराल में जाके पूरण पूरी खाया तो क्या पूरण पूरी एक प्रोडक्ट हुआ फ्रेंड्स? अरे उसमें भी तो घी डाला था। तो फ्रेंड्स, वी नीड एटलीस्ट टू कमोडिटीज टू सेटिस्फाई एनी सिंगल वॉन्ट। ये प्रकृति का नियम है फ्रेंड्स कि वी नीड एटलीस्ट टू ऑब्जेक्ट, एटलीस्ट टू थिंग्स टूगेदर टू सेटिस्फाई वन पर्पज, वन वॉन्ट। जब हमने पाव भाजी का एग्जाम्पल समझा तो पाव भाजी पे पाव भाजी पर, अरे फ्रेंड्स लेकिन पाव भाजी वो भी दो चीज हुआ, पाव भाजी क्या कह रहा, पाव 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 चपाया? नो, पाव भाजी तो वो भी तो दो प्रोडक्ट हुआ। और एक इंटरेस्टिंग बात बताऊंगी, हम में से ज्यादातर लोग जब रेस्टोरेंट में पाव भाजी मंगाते ना तो ऑनियन, नींबू, साथ में सॉफ्ट ड्रिंक, पापड़, अरे कितना कुछ बोलेंगे कि आप सिर्फ पाव भाजी खाया। तो फ्रेंड्स, एवरी सिंगल एक्टिविटी नीड्स एटलीस्ट टू कॉमोडिटीज, एटलीस्ट टू प्रोडक्ट्स, एटलीस्ट टू ऑब्जेक्ट्स। तो ये जो सोच थी, लोग की जो सोच है, इट्स नॉट प्रैक्टिकल। वी कैन नॉट परफॉर्म एनी सिंगल एक्टिविटी बाय यूजिंग ओनली वन कॉमोडिटी एट अ टाइम। दैट वॉज अ सिक्स्थ मिस्टेक, वन कॉमोडिटी थियरी। सेवेंथ वन इज टू मैनी अजम्पशंस। फ्रेंड्स, द लॉ इज बेस्ड ऑन मैनी अजम्पशंस विच आर एक्चुअली नॉट यूजफुल एंड प्रैक्टिकल एंड नॉट पॉसिबल ऑल्सो। मतलब तीन लाइन का कायदा था, अदर थिंग्स रिमेन कॉन्स्टेंट वेन द कंज्यूमर कंज्यूम्स मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ द सेम कमोडिटी इन अ कंटिन्यूस एंड क्विक मैनर ही गेट्स लेसर एंड लेसर यूटिलिटी फ्रॉम इट। बट द प्रॉब्लम इज फ्रेंड्स, द प्रॉब्लम इज कि तीन लाइन का कायदा समझाने के लिए आपने छह छह अजम्पशन रख दिए एंड ऑल दीज अजम्पशंस आर नॉट प्रैक्टिकल ऑल्सो। सो द लॉ बिकम्स यूजलेस, इनवैलिड इन मेजोरिटी ऑफ द सिचुएशंस। That was the seventh mistake. Point number eight is limited use. Friends, the law says, according to Marshall, कि we buy any commodity for utility purpose. हम market से कुछ खरीद रहे utility के लिए. But many a times we can see that we are making some consumption not for utility purpose but for habit, due to habit or मे बी शो ऑफ पर्पस। एक सर्वे के हिसाब से फ्रेंड्स, दुनिया के 90% लोग जब शॉपिंग करते हैं, कंजम्पशन करते हैं, तो उसके पीछे उसका यूज कॉन्सेप्ट नहीं है, यूटिलिटी पर्पस ही नहीं है, शो ऑफ पर्पस है। फ्रेंड्स, मैंने ये हाथ में घड़ी पहनी है, ठीक है ना। एक इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, घड़ी तो मेरी मोबाइल की स्क्रीन पे भी है, घड़ी मेरे घर पे भी है, फिर भी ये घड़ी पहनने का, काय को पहनने का, कि जब एक्सप्लेनेशन किया जाए तो ये चमकना मांगता है। स्टूडेंट को दूर से पता चलना चाहिए कि सर ने 1800 रुपए का सिटीजन का घड़ी पहना है, राइट? फ्रेंड्स, आपके कॉलेज जो प्रोफेसर है ना, उनको कभी आप ऑब्जर्व करना, वो जब बोर्ड पे लिखते हैं ना, यूं लिखते हैं, यूं, ओके, वो ये बता रहे कि उनके हाथ में अंगूठी लगाई हुई है, चार में से दो उंगली मेरे को अंगूठी पहनी है, और इसका यूज कुछ नहीं है, शाइनिंग, शो ऑफ, कोई और इस्तेमाल नहीं है, प्योर शाइनिंग एंड प्योर शो ऑफ। तो 90% ऑफ आवर कंजम्पशन इज ड्यू टू
habit or due to show off. There is no any utility purpose behind the consumption. So law becomes invalid automatically with that intention. So finally, we have studied A, criticisms, that is loopholes of law of DMU in our today's session. I know कि आपके माइंड में डाउट आ रहा है कि सर मार्शल जैसा इतना इकोनॉमिक्स बड़ा प्रोफेसर जब वो खुद 8 गलतियां कर रहा है तो फिर हमसे गलती हो उसमें क्या प्रॉब्लम है। फ्रेंड्स, इकोनॉमिक्स एक ऐसा लोटा सब्जेक्ट है जो अपनी गलतियां भी खुद ही फाइंड आउट करेगा। आई नो यू विल हैव वन मोर डाउट कि सर जिस लो में खुद में 8 गलतियां हो तो फिर वो लोग काय को पढ़ने का। इन चैप्टर 1 ऑल्सो आई टोल्ड यू दिस थिंग, दुनिया की हर वो चीज जो गलत है, जो खराब है, जो बुरी है, डज नॉट मीन कि वो काम की नहीं है। फ्रेंड्स, ऐसी तो और भी इंटरेस्टिंग बातें हम नेक्स्ट सेशन में करने वाले हैं। सो विद दिस 8 क्रिटिसिजम्स वी हैव कंप्लीटेड द शॉर्ट नोट ऑफ क्रिटिसिजम्स और लिमिटेशंस ऑफ लॉ ऑफ DMU। व्हेन वी विल मीट फिजिकली we will revise all these things. Okay friends, FIJC के admission start हो चुके हैं। Please contact us for your brothers, sisters, friends, relatives for taking admission. If they have any query for admission form in colleges also, they can contact us for that also. Right? Thank you so much. Take care of yourself. Soon I approach you again.